हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे प्री क्योर में बात करेंगे हम जगन्नाथ टेंपल और मिथिला पेंटिंग्स के बारे में। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जगन्नाथ टेंपल देखते हैं। तो श्री जगन्नाथ टेंपल पुरी का जो है एक इंपॉर्टेंट हिंदू टेंपल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, अवतार ऑफ विष्णु। तो सबसे पहले तो ये विष्णु को डेडिकेटेड टेंपल है। किसने बनाया? गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा ने बनाया 12th century CE में। और ये हमें कैसे पता चलता है? केंडू पटना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है इनके डिसेंडेंट नरसिम्हा देव द सेकंड की, उससे हमें पता चलता है कि अनंत वर्मन चोड़ गंगा ने ये टेंपल 12th century CE में बनवाया। देन जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है, एक बार तो बना दिया अनंत वर्मन चोड़ गंगा ने, उसके बाद उसको और इंप्रूव किया, फर्दर डेवलप किया सूर्यवंशी डायनेस्टी ने, जो गजपति डायनेस्टी गंगा डायनेस्टी के बाद आई, उन्होंने और ज्यादा डेवलप किया इसको। इसमें तीन डीटीज हैं, ट्रायो ऑफ डीटीज है, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्र। ये तीन जो है बेसिक और फंडामेंटल ट्रिनिटी कंप्राइज करते हैं और इनको ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी पोटेंट सुप्रीम का पार का एक फॉर्म और मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, राइट? विष्णु के अवतार हैं। सुदर्शन जो चौथा इंपॉर्टेंट डिवाइन मैनिफेस्टेशन है इज आल्सो वर्शिप्ड विद दिस विद द थ्री डीटीज, और चारों को मिलके चतुर्थ मूर्ति कहा जाता है, फोर फोल्ड डिवाइन इमेज, राइट? जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्र और फोर्थ डीटी सुदर्शन। इनर सैंक्टम जो है टेंपल का, उसमें जो मूर्तियां हैं गॉड्स की, दे हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम नीम लॉग्स, नीम के पेड़ से बनी हुई ये मूर्तियां हैं, नोन एज दरु, सिटिंग ऑन द बिज्वेल्ड प्लेटफॉर्म और रत्न बेदी। तो एक एक ज्वेल्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपकी इमेजेस रखी हुई हैं, जो कि नीम के पेड़ के वुड से बनी है, राइट? मूविंग ऑन, अब ये जो टेंपल है ये तो 12वीं सदी में बना है, लेकिन इन डीटीज का जो वर्शिप है इट इज ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट ट्राइबल टाइम्स, कि जब ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी उड़ीसा में, उस टाइम से इन डीटीज को वर्शिप किया जा रहा है। ये सिर्फ जगन्नाथ टेंपल जो बना है पुरी में, यही एक 12वीं सदी का मैनिफेस्टेशन है ऑफ द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ये आपका टेंपल है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है टेंपल, और काफी ऊंची दीवार है टेंपल की बाउंड्री पे, आउटस्कर्ट्स पे, राइट? इट इज बिल्ट ऑन अ जाइजेंटिक रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द हार्ट ऑफ अ सिटी। चार गेट्स हैं चार डायरेक्शंस में। ईस्ट फेसिंग गेट जो है वहां पे दो लायंस हैं, कॉल्ड द लायन गेट। नॉर्थ साउथ वेस्ट है एलिफेंट गेट, हॉर्स गेट और टाइगर गेट। जो नॉर्थ गेट है, जो एलिफेंट गेट है, ये यूज किया जाता है फॉर द गॉड हिमसेल्फ, राइट? कि मान लीजिए टेंपल के अंदर लेके जाना है भगवान को, कोई यात्रा निकल रही है, कोई प्रोसेशन निकल रहा है और वापस अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए नॉर्थ गेट यूज किया जाता है जो एलिफेंट गेट है, राइट? देन ईस्टर्न गेट जो है, लायन गेट जो है, उसके एंट्रेंस पे वो मेन एंट्रेंस है, और उसकी एंट्रेंस पे हम एक मोनोलिथिक पिलर देखते हैं लगभग 10 मीटर लंबा। ये जो मोनोलिथिक पिलर है इसको अरुण स्तंभ कहते हैं। अरुण स्तंभ क्यों? क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में अरुण जो थे वो सन गॉड के, सूर्य देव के चैरिटियर थे, और ये जो अरुण स्तंभ है ये कोणार्क टेंपल में था। कोणार्क टेंपल, सन टेंपल एट कोणार्क, राइट? तो सूर्य देवता को डेडिकेटेड वो टेंपल है, इसलिए वहां पे ये अरुण स्तंभ था, सूर्य देवता के चैरिटियर का स्तंभ। और ये मोनोलिथिक पिलर ओरिजिनली कोणार्क टेंपल में था, लेकिन जब वो टेंपल अबैंडन हो गया, कोई प्रेजाइडिंग डेटी नहीं था, तो उस टेंपल से इस पिलर को रिमूव करके निकाल के इन्होंने जगन्नाथ टेंपल पे इंस्टॉल किया। तो इस वजह से सूर्य देवता के चैरिटियर अरुण को डेडिकेटेड अरुण स्तंभ हमारे पास जगन्नाथ टेंपल में मौजूद है ऑन इट्स ईस्ट गेट। देन जगन्नाथ ट्रायड जो है उनको यूजुअली
पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है, पुरी का जो मेन टेम्पल का सेंक्टम है, वहां पे वर्शिप किया जाता है। बट एक बार असद का जो मौसम है, जो रेनी सीजन है उड़ीसा का, जो जून या जुलाई में आता है, उस टाइम पे इनको पुरी की सड़कों में लेके जाया जाता है। एक तरीके से प्रोसेशन, एक तरीके से यात्रा निकाली जाती है ताकि जो पब्लिक है वो दर्शन कर सके भगवान के। इसको रथ यात्रा कहते हैं, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, और बहुत ही ज्यादा फेमस है। पूरा लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होके जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखते हैं। जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, यहां से इस यात्रा को लेके जाया जाता है श्री गुंडिचा टेम्पल तक। 3 किलोमीटर की यह जर्नी है जगन्नाथ टेम्पल से श्री गुंडिचा टेम्पल की, और इस वजह से इस यात्रा को श्री गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। ये जो जगन्नाथ टेम्पल की यात्रा है, रथ यात्रा है, ये इतनी बड़ी, इतने लार्ज स्केल पे होती है कि माना जाता है कि जो इंग्लिश में वर्ड है जगरनॉट, कि ह्यूज मैसिव, उसका जो एटमोलॉजिकल ओरिजिन है, उस वर्ड की जो शुरुआत है, जो ओरिजिन है, वो इसी चीज से है। जगन्नाथ की जो ह्यूज रथ यात्रा है, वहां से जगन्नाथ से आया जगरनॉट, राइट? इंटरेस्टिंग फैक्ट। देन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वह है नाब कालबरा। ये क्या है कि आपका एक लूनर मंथ अशद इज फॉलोड बाय अनदर लूनर मंथ ऑफ आशद। ये जो होता है इवेंट है, ये 8, 12 या 18 साल में एक बार ऐसा इवेंट होता है, और उस टाइम पे एक तरीके से माना जाता है कि नया जन्म, नई बॉडी हो रही है। नाब कालबरा, नव इज न्यू, कालबर इज बॉडी। ये नव, ये बंगाली उड़िया तरीका है लिखने का, नव कालेवरा भी आप किसको कह सकते हैं। नव इज न्यू, कालेवर इज बॉडी, तो न्यू बॉडी, तो फ्रेश एक तरीके से जो इमेजेस हैं, जो डीटीज की इमेजेस हैं, वो नई इमेजेस टेंपल में इंस्टॉल करी जाती हैं, और जो ओल्ड इमेजेस होती हैं उसको टेंपल प्रेमिसेस में बैरी कर दिया जाता है। तो ये 8, 12 या 18 साल में एक बार ही होता है। पिछला जो ऐसा इवेंट हुआ था वो 2015 में हुआ था, 2015 में नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं भगवान की। देन जो 3 डीटीज हैं, इनको कलेक्टिवली, ये तीनों कलेक्टिवली सिंबल्स हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये तीन जो चीजें हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये त्रिरथ है जैन कल्ट का, राइट? और अगर तीनों आप पा लेते हैं, तीनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको संसार से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। साथ साथ हमें ये भी पता है कि जगन्नाथ जो है, ही इज वर्शिप्ड एज विष्णु, लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। जो लॉर्ड बालभद्र है वो शेष का मैनिफेस्टेशन है, शेष नाग जो है। विष्णु इज ऑफन डिपिक्टेड एज रेस्टिंग ऑन द शेष नाग, तो शेष जो है वो भी एक तरीके से मैनिफेस्टेशन ऑफ विष्णु है, राइट? और साइमल्टेनियसली जो डीटीज हैं, दे आर रिगार्डेड एज भैरव विद विमला, विमला द देवी और कॉन्सर्ट ऑफ लॉर्ड शिव, राइट? तो इस तरीके से जो ये टेम्पल है, ये एक तरीके से फ्यूजन है शैविज्म का, शक्तिज्म का, वैष्णविज्म का और जैनिज्म का, तो चारों का एक तरीके से फ्यूजन है ये। इस टेंपल में सिर्फ हिंदू डिवोटीज को ही अलाउ किया जाता है अंदर जाके दर्शन करने के लिए। और इंपॉर्टेंटली, हिंदू धर्म में जो 4 धाम है, उनमें से एक धाम है ये जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, द अदर 3 बींग द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। तो जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी वन ऑफ दी 4 धाम्स, राइट? देन इसके आर्किटेक्चर के बारे में कुछ और देखते हैं। एक नील चक्र, एक ब्लू डिस्कस है, विच इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द शिखर ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। जो लायन गेट है, ईस्ट वाला गेट है, हमने पढ़ा था, उसको सिंह द्वार कहते हैं, वो मेन एंट्रेंस है। और सिंह द्वार इसलिए कहते हैं कि 2 क्राउचिंग लायंस हैं जो आइदर साइड पे कार्व्ड हैं एंट्रेंस के, राइट? 2 गार्ड्स के स्टेच्यूज हैं, जया और विजया, जो डोरवे के आइदर साइड हैं। रथ यात्रा में जब
बाहर लेके जाते हैं तो जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्र को, लॉर्ड जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्र को, तो इस गेट के थ्रू बाहर लेके जाते हैं और नॉर्थ गेट के थ्रू अंदर लेके आते हैं। जया और विजया दो गेट कीपर्स हैं ऑफ द अबोर्ड ऑफ विष्णु। विष्णु का अबोर्ड वैकुंठ, वैकुंठ जो का जो द्वारपाल है उनका नाम है जया और विजया। और क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल लॉर्ड पुरी, जगन्नाथ टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, तो इसलिए उनका भी जो मेन एंट्रेंस द्वार है उस पर भी दो गार्ड है, जया और विजया। इसके अलावा जो बाकी एंट्रेंसेज हैं, एलिफेंट गेट, हाथी द्वार, टाइगर गेट, व्यग्र द्वार और हॉर्स गेट, अश्व द्वार, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे मंडप्स या पिलर्ड हॉल्स हैं, रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पे हैं ये भी जो पिलर्ड हॉल्स हैं, कॉन्ग्रीगेशन के लिए लोग इकट्ठा होकर वहां पे बैठ सकते हैं। सबसे प्रोमिनेंट जो मंडप है वो है मुक्ति मंडप, इट इज द कॉन्ग्रीगेशन हॉल ऑफ द होली सीट ऑफ सिलेक्टेड लर्नड ब्राह्मण्स। सिलेक्टेड लर्नड ब्राह्मण्स ही यहां पे इकट्ठे होकर बैठते हैं, इसलिए इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका नाम है मुक्ति मंडप। अब बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग्स की, तो मधुबनी पेंटिंग्स या मिथिला पेंटिंग्स जो है दे ओरिजिनेटेड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार, और क्योंकि ये मिथिला रीजन ऑफ बिहार और नेपाल में प्रैक्टिस की जाती हैं, इनको हम मिथिला या मधुबनी आर्ट कहते हैं। तो मिथिला रीजन ये जो है, ये आपका ईस्टर्न बिहार जो है ये मिथिला रीजन है। आप देख सकते हैं ये मिथिला का मैप है, बिहार और झारखंड, और ये बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, ये जो बोल्ड में बाउंड्री है, राइट। तो मिथिला रीजन में ओरिजिन हुआ इनका, मिथिला रीजन में प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए मिथिला या मधुबनी पेंटिंग्स। इनिशियल रेफरेंसेस जो है मधुबनी पेंटिंग्स की, कब शुरुआत हुई, तो रामायण तक जाते हैं, जब किंग जनक जो सीता के पिता थे, उन्होंने अपने पेंटर्स को कहा कि आप मधुबनी पेंटिंग्स बनाइए हमारी बेटी की शादी के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिंगर्स से, ट्विग्स से, ब्रशेस से, निब पेन से, मैचस्टिक से, इन सब चीजों से बनाई जाती हैं ये मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स। नेचुरल डाइज और पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा ब्राइट कलर्स यूज होते हैं और पिगमेंट्स लाइक लैम्प ब्लैक एंड ओक्रे आर यूज टू क्रिएट ब्लैक एंड ब्राउन, तो ओक्रे ऑरेंजिश कलर, बट कलर्स जनरली पेंटिंग्स में ब्राइट ही रहते हैं। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पाते हैं हम मिथिला पेंटिंग्स में, नोन फॉर रिप्रेजेंटिंग रिचुअल कंटेंट फॉर पर्टिकुलर ओकेजन्स इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स, रिलीजियस रिचुअल्स, वो अक्सर पेंट किया जाता है मिथिला पेंटिंग्स में। देन ट्रेडिशनली ये जो थी दीवारों पे की जाती थी या फ्लोर पे की जाती थी, ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, मिट्टी की फ्रेशली प्लास्टर्ड जो दीवार होती थी उसमें एक तरीके से फ्रेस्कोस पेंट किए जाते थे या फिर हट्स के फ्लोर्स पे पेंट की जाती थी, और पाउडर राइस का एक पेस्ट बना के और उसमें कलर ऐड करके, कलर किस चीज से ऐड करते थे, टर्मरिक से, पोलन से, पिगमेंट से, इंडिगो, कुछ फ्लावर्स, सैंडलवुड, कुछ प्लांट्स की लीव्स एक्सेट्रा, जैसा कलर आपको चाहिए इन सब चीजों से कलर डिराइव करके इस पाउडर राइस के पेस्ट में ऐड करके पेंट किए जाते थे दीवारों पे या फ्लोर पे। और जेनरेशन टू जेनरेशन पास होने वाली नॉलेज थी ये कि वुमेन पेंट करती थी और एक दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ नॉलेज ये ट्रांसफर करती थी, और इस तरीके से ये प्रथा शुरू हुई कि वुमेन ऑफ द विलेजेस जो थी, गांव की जो औरतें थी, उन्होंने अपने घरों की दीवारों पे पेंट करना शुरू किया घर को सजाने के लिए। ये जो पेंटिंग्स थी ये डिपिक्ट करती थी, अगर हम पेंटिंग्स को स्टडी करने की कोशिश करें कि वुमेन पेंट करती थी, वुमेन के जो थॉट्स होते थे या उनके ख्वाब या सपने या एम्बिशंस, वो हमें लगता है कि वो अपने इस पेंटिंग के थ्रू अपने घर की दीवारों पे, फ्लोर्स पे अपनी पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करती थी। ओवर टाइम ये हुआ कि मधुबनी पेंटिंग्स जो थी ये फेस्टिविटीज का और स्पेशल इवेंट्स जैसे कि वेडिंग्स एक्सेट्रा, इनका भी एक रेगुलर पार्ट बन गई,
और चेंजेस क्या आए कि पहले जो एक फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल पे पेंटिंग की जाती थी, अब वो हैंडमेड पेपर पे की जाने लगी, कपड़े पे की जाने लगी और कैनवस पे भी की जाने लगी। तो ये विद टाइम कुछ चेंज आया। अब क्योंकि मधुबनी पेंटिंग जो है वो एक बहुत कॉम्पैक्ट ज्योग्राफिकल एरिया में ही कन्फाइंड है और जो स्किल्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ थ्रू सेंचुरीज, तो उसका जो कंटेंट और स्टाइल है वो काफी सिमिलर है फ्रॉम द टाइम इट बिगेन टिल टुडे, राइट। इसीलिए इसको एक कोविटेड जीआई टैग भी दिया गया है कि मधुबनी पेंटिंग मतलब मधुबनी रीजन से बिलोंग करती है मिथिला पेंटिंग। तो इस वजह से इसका थीम भी और इसका स्टाइल दोनों ही लगभग सेम रहे हैं ओवर द इयर्स। अब बात यह है कि ओरिजिनली तो ये मिथिला पेंटिंग्स थी और दीवारों पे फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल पे की जाती थी, लेकिन विद टाइम जो चेंज आया कि ये हैंडमेड पेपर, क्लॉथ, कैनवस इन सब पे भी की जाने लगी, इसकी जो शुरुआत हुई थी इस नए फिनोमिना की ये मधुबनी में हुई थी शुरुआत। इस वजह से इसका नाम मधुबनी आर्ट भी पड़ गया अलोंग विद मिथिला पेंटिंग। तो ओरिजिनल नेम जो है मिथिला पेंटिंग है बट मधुबनी आर्ट में स्लाइटली मॉडर्न तरीका आया इसको बनाने का, मॉडर्न कैनवस आया आपके पास, इसलिए इसका नाम मधुबनी आर्ट भी पड़ गया। थीम्स क्या क्या हैं? हिंदू डीटीज पेंट किए जाते हैं जैसे कि कृष्ण, राम, लक्ष्मी, शिव, दुर्गा, सरस्वती। इसके अलावा हेवनली बॉडीज जैसे सूर्य और चंद्रमा ये भी पेंट किए जाते हैं। देन रॉयल कोर्ट्स के भी सीन्स हैं, सोशल इवेंट्स जैसे वेडिंग्स के भी सीन्स हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंट हैं। मैन एंड इट्स एसोसिएशन विद नेचर दिखाते हैं। रिलीजियस प्लांट्स जैसे कि तुलसी पेंट किए जाते हैं और कोई भी जगह खाली छोड़ने का वो नहीं है। अगर आपका ये कैनवस है और आपकी पेंटिंग यहां पे है, राइट, तो इन्होंने कैनवस कुछ भी खाली नहीं छोड़ना, ये खाली नहीं छोड़ना, यहां पे कुछ भी बना देंगे, फ्लावर्स बना देंगे, एनिमल्स बना देंगे, बर्ड्स बना देंगे, ज्योमेट्रिक डिजाइंस दे देंगे, कुछ भी जगह खाली नहीं छोड़ते कैनवस में। ये एक पेंटिंग है, आप देख सकते हैं ब्राइट कलर्स हैं, राइट, हमने पढ़ा ब्राइट कलर्स यूज होते हैं। ब्लैक और ब्राउन का भी इफेक्ट है वो आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, राइट। देन हमने पढ़ा कि कृष्ण और राधा की पेंटिंग्स भी हैं, ये कृष्ण है आप देख सकते हैं हाथ में फ्लूट है, राइट, कृष्ण एंड राधा आप देख सकते हैं दोनों पेंटिंग्स में कि हार्डली कोई जगह खाली है। यहां पे अगर आप देखें तो ये जगह शायद खाली बच सकती थी कि एक तरीके से डोली जा रही है, लेकिन ये खाली जगह को भी भर दिया इन्होंने फ्लावर बना के, राइट। तो कोई भी जगह खाली छोड़ने का है ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है। अगेन आप देख सकते हैं राधा कृष्ण है, ब्राइट कलर्स है, राइट, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी हुई है, हर कोने में कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ है, राइट। सिमिलरली इन दिस पेंटिंग एज वेल। तो ये थी मधुबनी आर्ट या मिथिला पेंटिंग्स की कहानी। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। ये दोनों चीजें कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। जरूरी नहीं कि इमीडिएटली यूपीएससी इस साल पूछे, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड होके जाइए, राइट। तो ये था आज का हिस्ट्री का प्रीक्योर। मिलेंगे आपसे अगले वीक के हिस्ट्री के प्रीक्योर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।